हाँ हाँ बैठो बैठो मेरे पास टाइम नहीं है आज हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी है हाँ मैम हाँ, हाँ, हमारी प्रॉफिट वगैरह बहुत लो मुझे उस सब से लेना देना नहीं है आज लंच में क्या खाना है छोले भटूरे या पाव भाजी दो ऑप्शन है विनय तुम बताओ मैम छोले भटूरे छोले भटूरे मुझे पाव भाजी खाना मेरी चलेगी बाय बाय मैम ये तो बहुत गलत बात है बेकार सी पाव भाजी मंगवा देंगे बोल यार तू ही बता नाश्ते का हाँ, पापा जी वो थोड़ा स्पाइसी भी था हाँ। तो हालत खराब हाँ। हो गई थी हाँ यार हाँ, बहुत ज्यादा हो गया इनका मैं नहीं बर्दाश्त करी मैं अब रिजाइन कर रही हूँ मुझे नहीं खानी पापा जी हाय गुड मॉर्निंग हेलो

यार प्यारा बोल रही है मेरी हाँ। चल यार ये तो बढ़िया हो गया कम से कम इस वाली में हमारे सुनील तो सही भाई का भी सुना ये सबसे बेस्ट है ये उनका मतलब इस पार्ट था हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जस्ट पढ़ ले मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और कैसे हो आप सब सो so, अभी आप लोगों ने दो टाइप की मीटिंग को देखा होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एक टाइप की मीटिंग अच्छी नहीं थी और एक ऐसी टाइप की मीटिंग भी थी जो बहुत बढ़िया थी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कि आपको क्या लगता है कि कौन सी मीटिंग वॉज बेटर और अगर आपको अभी इस चीज का आंसर नहीं पता चल रहा तो डोंट वरी बाय द एंड ऑफ़ दिस चैप्टर आपको सुपर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मीटिंग सही थी तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी हम लोग बचपन से सोशल साइंस में ये कुछ शब्द सुनते हुए आ रहे हैं ना डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है ना तो इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर डीपर इनटू दिस टर्म एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी होता क्या है ठीक है तो पहले पार्ट चैप्टर के पहले पार्ट में हम समझेंगे कि है क्या ये डेमोक्रेसी और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर का उसमें आपको बताया जाएगा वाई डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी ही क्यों हमारे लिए बढ़िया है ठीक है तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को उससे पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया जल्दी जल्दी लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को चलो स्टार्ट करते हैं तो वॉट इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है तो लाइक आई सेट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं है ना एंड बेसिक हमारे दिमाग में आइडिया क्या बिल्ड हो गया कि क्या होता है है ठीक ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं मतलब जो इंसान हमें अच्छा लगता है वो लीडर बनता है बेसिक बेसिक सबके दिमाग में यही आइडिया था कि डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है पर ये सिंपल सी डेफिनेशन अब नहीं चलेगी अब आप लोग बड़े हो गए हो बड़ी क्लास में आ गए हो तो इतने से डेफिनेशन से हमारा काम नहीं चलेगा ठीक है क्योंकि इस डेफिनेशन को सुनने के बाद भी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन डेफिनेशन में कहा ना कि रूलर्स को हम इलेक्ट करते हैं तो कौन सा रूलर नेक्स्ट

डेमोक्रेसी किस टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इन सारी चीजों का आंसर हमें उस डेफिनेशन में में नहीं मिल रहा। तो छोटी क्लासेस हमने अपना काम चला लिया अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो हमें डेमोक्रेसी का प्रॉपर मतलब समझना होगा और प्रॉपर मतलब समझने के लिए हम लोग थोड़े से केस स्टडीज को थोड़ी बाकी कंट्रीज की कहानियों के थ्रू समझेंगे ठीक है चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के मेन पॉइंट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं ठीक है तो पॉइंट वन मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स ठीक है जो भी कंट्री के मेजर बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना वो इलेक्टेड लीडर्स को लेने चाहिए आपने जिसको वोट दिया है उसी इंसान को हमारे लिए रूल्स बनाने चाहिए या हमारे लिए अलग अलग मेजर डिसीजन्स लेने चाहिए अब आपको लगेगा दीदी ऐसा ही तो होता है ठीक है आप क्या कह रहे हो ऐसा तो कभी नहीं होता कि हमने जिसे वोट दिया वो चुप बैठा है और कोई और हमारे लिए डिसीजन ले रहा है ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ ठीक है तो ये कहानी है पाकिस्तान की है ना सबको पता है पाकिस्तान कहाँ पड़ता है अपने मैप में ठीक है इंडिया के एकदम बगल में नेबरिंग कंट्री अपनी पाकिस्तान वहां पे जनरल परवेश मुशर्रफ क्या करते हैं वो एक मिलिट्री कूप करते हैं ठीक है मिलिट्री कू, कूप का क्या मतलब है मिलिट्री को यूज करके गवर्नमेंट को हटा देना ठीक है और ये बात है 1999 की ठीक है जनरल परवेश मुशर्रफ की ही इमेज मैंने यहाँ पे डाल रखी है आप बच्चों के लिए तो इन्होंने क्या करा उस टाइम की जो प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना उस गवर्नमेंट को हटा दिया मिलिट्री पावर को यूज करके और फिर खुद अपने आप को कह दिया कि आज से मैं पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं ठीक है तो उन्होंने मिलिट्री पावर को यूज करा वहां की जो इलेक्टेड प्रॉपर गवर्नमेंट थी उनको हटा दिया और खुद कहने लगे कि आज से मैं पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या करा उन्होंने अपने पोजीशन का नाम बदल दिया ठीक है तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब से मैं प्रेसिडेंट हूं पाकिस्तान का ठीक है टू टू में ये क्या करते हैं ये एक रेफेंड्रम कराते हैं क्या होता है रेफेंड्रम ठीक है रेफेंड्रम मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं अगर मान लो मैं इस क्लास में वोटिंग करा दूं कि बताओ बच्चों मैं में ब्लैक पेन से लिखूं या ब्लू पेन से लिखूं ठीक है और आप में से मान लो कुछ बच्चों ने कहा ब्लैक कुछ बच्चों ने कहा ब्लू ज्यादातर बच्चों ने कहा कि दीदी -दी, आप ब्लैक पेन से लिखो तो मैंने कहा ठीक है ज्यादा बच्चे कह रहे हैं ब्लैक पेन से लिखो तो मैं उनकी बात मान रही हूं तो ये रेफेंड्रम हो गया मतलब एक छोटे से स्केल में एक वोटिंग काइंड ऑफ करा दी मैंने तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे परवेश मुशर्रफ जो थे उन्होंने क्या करा 2002 में एक रेफरेंडम कराया कंट्री में और सबसे पूछा कि बताओ क्या तुम्हें ये बढ़िया लग रहा है कि मैं कंट्री का प्रेसिडेंट हूं ठीक है तो इन्होंने ये रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम कराने के बाद खुद ही बोल दिया कि हाँ सारे लोग कह रहे हैं बढ़िया है मैं प्रेजिडेंट रहूंगा ठीक है शन जैसे ही रेफर में उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हाँ पाकिस्तान की तो जनता कह रही है कि सर आप ही प्रेजिडेंट बनो तो उसके बाद क्या हुआ उन्हें पांच ईयर और टाइम मिल गया एस प्रेजिडेंट रहने का हालांकि उस टाइम पे पाकिस्तान की मीडिया अलग अलग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट ये सारे लोग बोल रहे थे कि ये जो रेफेंडम कराया गया पाकिस्तान में एकदम फ्रॉड है इसके असली रिजल्ट किसी को नहीं पता ठीक है इन अगस्त 2002 अगस्त 2002 तक आते-आते ये क्या करते हैं ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करते हैं इसका क्या मतलब है ये ऑर्डर इशू करते हैं जिसके थ्रू ये पाकिस्तान के संविधान को एमेंड कर पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना ठीक है तो ये संविधान को पाकिस्तान के संविधान को एमेंड कर पाते हैं और एमेंड करने के बाद क्या करते हैं ये अपने आप को मतलब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली अब प्रेसिडेंट के हाथ में क्या पावर आ गई कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को जब मर्जी भगा सकते हैं मतलब उन्होंने अपने ही पोजिशन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया सो so, पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो पाकिस्तान की इस कहानी में क्या हुआ मिलिट्री uh, कूप होने से पहले क्या था वहां पे इलेक्शन हुआ ठीक है लोगों को जो पसंद थे उनको वोट दिया गया वो लीडर्स बने पर क्या वही लोग पाकिस्तान के लिए डिसीजन ले रहे थे नहीं जनरल परवेश मुशर्रफ डिसीजन ले रहे थे तो यही बात आपको बताई जा रही है इस पॉइंट uh, में कि हम डेमोक्रेसी तभी कह सकते हैं जब डिसीजन वही इंसान ले रहा हो जिसको आपने इलेक्ट करा जिसको आपने वोट करा ठीक है अगर कोई और इंसान जबरदस्ती आके कंट्री के लिए सारे डिसीजन ले रहा है देन इट इज नॉट क्वाइट डेमोक्रेसी ठीक है क्योंकि कहने को तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है ना पर जिन्हें वो पसंद करते हैं वो पाकिस्तान को नहीं संभाल रहे थे उस टाइम पे ठीक है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमेशा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रहना चाहिए ठीक है तो फर्स्ट फीचर क्या है हमारे डेमोक्रेसी का अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट विद दो अंडरलाइन करो साइड में कहीं लिख लो अपने नोट्स में कि पहला फीचर क्या है हमारे डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी में हमेशा फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए ऐसे लोगों के पास जिनको हमने खुद इलेक्ट करके पोजीशन पे रखा है इजी चलो आगे बढ़ते हैं एक और कहानी समझते हैं ठीक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन कि कैसे इलेक्शन करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए तो इसके लिए हम मेक्सिको की कहानी डिस्कस करेंगे मही को भी कहते हैं हम ठीक है तो 1930 में मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिलती है ठीक है तो मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी सिक्स ईयर्स हर छ साल के अंदर मेक्सिको के लोग इलेक्शन करते हैं प्रेजिडेंट को इलेक्ट करने के लिए ठीक है और ये जो कंट्री है ना ये पाकिस्तान की तरह कभी आ, किसी मिलिट्री रूल या फिर किसी डिक्टेटर रूल के अंडर नहीं रही ठीक है पर यहाँ पे एक अजीब बात क्या हो रही थी यहाँ पे अंटिल 2000 थाउजेंड ईयर टू तक क्या हो रहा था ये लोग बार बार इलेक्शन करते थे पर हर बार इलेक्शन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती रहती थी ठीक है उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था पी नाम याद रखना है हमें पी और हमें पी के फुल फॉर्म को भी याद रखना है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ठीक है अब इससे पहले कि तुम लोग कमेंट्स में हंगामा मचाओ कि दीदी यहाँ तो पी लिखा है तो फुल फॉर्म आए से क्यों स्टार्ट हो रही है ठीक है तो ये उनके कंट्री के लैंग्वेज में स्पेनिश लैंग्वेज में आ, नाम है इनके पॉलिटिकल पार्टी का तो हम उसे थोड़ा इंग्लिश में बोल रहे हैं ना इसलिए थोड़ा टर्म्स ऊपर नीचे हो रहे हैं ठीक है पर आपको यही याद रखना इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी पी आर आई पॉलिटिकल पार्टी थी वहां पे एंड टू थाउजेंड तक ईयर टू थाउजेंड तक यही लोग बार बार इलेक्शन को जीतते रहते थे ठीक है आगे बढ़ने से पहले मेक्सिको को एक बार मैप में देख लेते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि हम पढ़े जा रहे हैं किसी कंट्री uh, के बारे में और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ठीक है ये मेक्सिको है हमारा नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है और पाकिस्तान की बात करी थी तो ये अपना इंडिया है इंडिया के एकदम बगल में पाकिस्तान आ जाता है ठीक है तो ये मेक्सिको है चलो तो ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस तो अब आपको लग रहा होगा आ, कि दीदी अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बार-बार जीत रही थी तो क्या उनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं होती थी बिल्कुल होती थी पर वो कभी जीत ही नहीं पाते थे इलेक्शन ठीक है इसका कारण क्या था क्या लोगों को पीआरआई से इतना प्यार था कि वो बस भर-भर के वोट देते रहते थे पीआरआई को ऐसा नहीं था पी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स गलत ट्रिक्स को यूज करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए ठीक है तो क्या क्या उनकी गलत ट्रिक्स थी यह हमें पता होना चाहिए अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि उनके गलत ट्रिक्स को बताओ ऑल दो है अक्सर पता है क्या होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं ना उनका पॉलिटिक्स से ज्यादा लेना देना नहीं होता ठीक है तो अगर एक आई ऑफिसर है या कोई आई ऑफिसर है तो वो अपना काम करेंगे उन्हें फर्क नहीं पड़ता रूलिंग पार्टी कौन है बीजेपी है कांग्रेस है जो भी हो उन्हें अपना काम करना है है ना तो गवर्नमेंट ऑफिस का पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक या टाइप नहीं होना चाहिए तो यहां पे क्या होता था जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे वो पॉलिटिकल पार्टी के मीटिंग में जाके बैठा करते थे जो कि बहुत ज्यादा गलत था नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स थे ना वो अपने स्कूल के पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि तुम पीआरआई को वोट दो सोचो कितनी अजीब बात है कभी अगर आप जाओ पीटीएम में और आपकी टीचर बोल रही है आपके मम्मी पापा को कि बच्चा तो आपका बढ़िया पढ़ लेता पर वो सब छोड़ो इस पार्टी को वोट दो अजीब लगेगा ना तो यही चल रहा था वहां पे गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर्स हैं जिन्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए वो पेरेंट्स को समझा रही हैं कि आप हमारे पीआरआई को वोट दो मीडिया के लोगों को भी डरा धमका के रखा जाता था उनसे कहा जाता था कि पी के बारे में सब अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बोलो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफें करने की जरूरत नहीं है समटाइम्स पोलिंग पोलिंग बूथ्स बूथ्स शिफ्टेड मतलब जहां पर आ, इसके ये ये देखा तुमने ट्रू आर्ट पे अभी चलो ठीक है तो आ, जो पोलिंग बूथ है मतलब जहां पे हम वोट देने जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे ठीक है तो पोलिंग बूथ को ये लोग लास्ट मिनट में शिफ्ट कर देते थे ताकि जेन्यन वोटर्स आके वोट ना दे पाए और ये लोग खूब सारा पैसा यूज करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए देर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट तो ऐसा नहीं था कि लोग बहुत ज्यादा खुश थे पी आर आई को लेकर पर फिर भी उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा था पी आर आई को हटाने का ठीक है सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इससे हमें दूसरा पॉइंट पता चलता है कि आप एक सिस्टम को डेमोक्रेसी तभी कह सकते हो जब फ्री और फेयर इलेक्शन हो ठीक है जहां पे जो लोग पावर में हैं उन्हें डर लगे कि अगले साल हो सकता है यार हम हार जाए ठीक है ऐसा नहीं कि पीआरआई की तरह उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम पैसे भिखेर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे जीत जाएंगे ठीक है रूलिंग पार्टी के अंदर डर होना चाहिए कि इस साल तो जनता ने हम पर विश्वास करा है अगर हमने अच्छे से काम नहीं करा तो हो सकता है कुछ साल के बाद हमें वोट ना मिले ठीक है चलो नेक्स्ट कहानी पढ़ते हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू हमेशा डेमोक्रेसी में क्या होता है एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और उस एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए अगेन दिमाग में चल रहा होगा दीदी -दी ऐसा ही होता है ठीक है तो कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ के देखते हैं जहां पे ऐसा नहीं होता था ठीक है तो अंटिल 2015, ठीक है 2015 तक 2015 उतना भी मतलब कुछ बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है ठीक है तो 2015 तक हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में वीमेन के पास राइट टू वोट नहीं था ठीक है तो अगर सऊदी अरेबिया में कोई विमन थी टू तक ठीक है 2015 में काफी सारी डेमोक्रेसीज बहुत मॉडर्न चल रही थी तो इट इज क्वाइट स्ट्रेंज ठीक है तो सऊदी अरेबिया में 2015 तक विमेन को वोट देने का हक नहीं था ठीक है एस्टोनिया यूरोप में कंट्री है ठीक है हैज मेड सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट गेट द राइट टू वोट एस्टोनिया ने अपने रूल्स इस तरीके से बना रखे हैं कि अगर आप वहां पे रशियन माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपके लिए मुश्किल होगा राइट टू वोट यूज करना ठीक है फीजी में क्या था यहाँ का इलेक्ट्रल सिस्टम कैसा था तो फीजी में ना दो टाइप की कम्युनिटीज थी एक को कहते हैं इंडिजीनियस फीजी और एक को कहते हैं इंडियन फीजियन ठीक है तो अगर आप इंडिजिनियस फीजी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी पर अगर आप इंडियन फीजियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपको वोट देना तो अलाउड है पर आपके वोट की वैल्यू कम होगी ऐसे में क्या होगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी वो इंडिजिनियस फीजीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगी है ना तो ये भी गलत था इससे हमें क्या पता चलता है कि एक अच्छे डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होना चाहिए हर अडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए ठीक है और हर एक वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए ऐसे नहीं फीजी की तरह जहां पे इंडिजिनियस फीजियन वोट कर रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू है कोई और कर रहा है तो कम वैल्यू है एक ही सेम वैल्यू होनी चाहिए ठीक है चलो नेक्स्ट हम रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं अगेन इसे भी हम एक कहानी के साथ ही पढ़ेंगे ठीक है तो जिम्बावे के बारे में बात करते हैं तो जिम्बावे में क्या था इन लोगों को 1980 में वाइट माइनॉरिटी लोगों से आजादी मिलती है ठीक है जो वाइट लोग थे थे तो माइनॉरिटी में पर जिम्बावे के ऊपर रूल कर रहे थे 1980 में इन लोगों को आजादी मिल जाती है वाइट माइनॉरिटी रूल से सिंस देन तब से क्या हुआ है जिम्बावे में जानू पी एफ, नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है ठीक है और ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जिम्बावे में जैसे हमारे कंट्री में हम कहते हैं ना कि कांग्रेस ने काफी कुछ करा था उस टाइम पे तो जिम्बाबे में जानू भी पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत कुछ करा था एंड इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कौन थे रॉबर्ट मुगाबे ठीक है एंड इन्होंने क्या करा इन्होंने वैसे रॉबर्ट मुगाबे की ही इमेज है यहाँ पे ठीक है तो इन्होंने क्या करा इन्होंने कंट्री को सिंस इंडिपेंडेंस रूल करना स्टार्ट कर दिया ठीक है सिम्बावे को देख लो अफ्रीका में या नीचे है ओके चलो हेल्ड रेगुलरली ठीक है जैसा महिको में हो रहा था वैसे ही सेम इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड हो रहे थे पर हर बार जानू पी के लोग ही जीत रहे थे ठीक है अब इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि लोगों को यह पॉलिटिकल पार्टी कुछ ज्यादा ही पसंद थी पर ये कारण था नहीं ठीक है ये लोग भी मतलब वैसे ही आ, पी आर आई की तरह ही बहुत गलत प्रैक्टिस को यूज कर रहे थे ठीक है तो इन्होंने पता है क्या करा? रॉबर्ट मुगाबे ने जब ये पावर में आए तो इन्होंने संविधान को बहुत बार बदला और जितनी बार संविधान को बदला इन्होंने क्या करने की कोशिश करी इन्होंने प्रेसिडेंट को और पावरफुल बनाने की कोशिश करी और लेस अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करी लेस अकाउंटेबल मतलब अच्छा अकाउंटेबल होने का क्या मतलब होता है किसी को जवाब देना ठीक है आंसरेबल होना रिस्पॉन्सिबल होना ठीक है तो जैसे अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि होमवर्क क्यों नहीं करा तो आप मुझे समझा रहे हो कि ऐसा ऐसा हो गया ये समझ नहीं आया वो हो गया तो आप मतलब अकाउंटेबल हो रहे हो ठीक है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि हाँ गलती हो गई ठीक करते हैं ऐसे है ना तो मेक हिम लेस अकाउंटेबल का मतलब आप प्रेजिडेंट से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते कि कंट्री में ये क्यों चल रहा है वो क्यों चल रहा है तो ये संविधान को एमेंड करके अपनी पावर्स को बढ़ाए जा रहे थे ठीक है ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स हरास्ड तो अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का इंसान होता था बेचारा उसे परेशान किया जाता था ठीक है पब्लिक प्रोटेस्ट वर डिक्लेयर्ड इलीगल नॉर्मली क्या होता है जब हमें अपनी गवर्नमेंट की हरकतें पसंद नहीं आती तो हम लोग स्ट्राइक करना ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे रूल बना दिया गया कि नहीं पब्लिकली तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वो इलीगल है ठीक है कानून के खिलाफ है तो इस टाइप के ये लोग कानून बना रहे थे अ लॉ दैट लिमिटेड राइट टू क्रिटिसाइज ठीक है राइट टू क्रिटिसाइज क्या होता है जैसे मान लो आपको हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कोई चीज पसंद नहीं है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं हम ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है हक है हमारा राइट right है ठीक है पर इन्होंने क्या करा इन्होंने यहाँ पे कानून बना दिया कि आपके पास राइट टू क्रिटिसाइज नहीं है प्रेसिडेंट के बारे में आप कुछ गलत नहीं बोल सकते ठीक ठीक है है एंड रेडियो कंट्रोल्ड अगेन जैसा पीआरआई कर रही थी मीडिया को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा ठीक है वर इंडिपेंडेंट न्यूज इंडिपेंडेंट न्यूज मतलब ऐसे लोग जो किसी बहुत बड़े चैनल के साथ एसोसिएटेड नहीं है इंडिपेंडेंटली खुद न्यूज को संभाल रहे हैं तो ये लोग कई बार सच्चाई लिख देते थे कि हमारी गवर्नमेंट तो ऐसा ऐसा कर रही है उनको भी पकड़ के मारा जाता था ठीक है तो जुडिशियरी ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी कोर्ट में अलग अलग जजमेंट्स आते रहते थे प्रेसिडेंट के खिलाफ कि आप लोग आओ कोर्ट में ठीक है केस चल रहा है पर ये इग्नोर करते रहते थे कोर्ट के जजमेंट को 2017 में वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस ठीक है बहुत टाइम लग गया इस कंट्री को 2017 में आके ये लोग कहते हैं कि नहीं बस बहुत हो गया अब तुम पावर में नहीं रह सकते ठीक है चलो तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है जिम्बावे की कहानी सुनने के बाद हमें क्या पता चला ठीक है पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर्स इज नेसेसरी, ठीक है जो इंसान हमें पसंद है वही डेमोक्रेसी का पार्ट बनना चाहिए बट सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा जो इंसान पावर में है उनको हम लोगों के बेसिक राइट्स की इज्जत करनी होगी उनको कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिस्पेक्ट करना होगा और साथ ही साथ हमें यह भी समझ आया कि एवरी वन शुड बी इक्वल इन दी आईज ऑफ लॉ लॉ कानून के सामने हम सारे लोग बराबर होने चाहिए ऐसे नहीं कि कोई प्रेसिडेंट है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है ना है तो वो वहां का सिटीजन ही तो कानून के सामने सब बराबर हैं। तो अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आ रहा है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है एस्पेक्ट। so ये कहानी सुनने के बाद हमें एक और फीचर पता चला। डेमोक्रेसी का वो क्या है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट ठीक है तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है वो जब रूल करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए रूल्स को फॉलो करते हुए रूल करती है और वो सिटीजन के राइट्स को सिटीजन के हक को भी रिस्पेक्ट करती हैं ठीक है थीके? तो अब हम एक क्विक रिविजन करते हैं सम अप करते हैं कि यहां तक हमने क्या क्या फीचर्स पढ़ लिए डेमोक्रेसी के पॉइंट वन रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन ये जो अभी पॉइंट्स आ रहे हैं लिख लेना ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है ठीक है चलो तो पॉइंट वन जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को हमारे लिए डिसीजन लेने चाहिए जैसा पाकिस्तान में हो रहा था वो गलत था ठीक है इलेक्शन ऑफर अ चॉइस ऑफ फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज करंट रूलर्स हमारे पास इलेक्शन के दौरान फ्री और फेयर चॉइस होना चाहिए लीडर को बदलने का अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद आ रही तो मतलब सिर्फ आपको नहीं अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल को वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद आ रही तो हमारे पास हक होना चाहिए कि हम बदल पाए उसे ऐसे नहीं कि पीआरआई जैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी डर्टी ट्रिक्स यूज करके जीतती जा रही है ठीक है दिस चॉइस एंड ऑपरचुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल ठीक है और ये जो चॉइस है वोट देने का ये चॉइस और ये राइट right, ये सबके पास होना चाहिए भेदभाव नहीं करना हमें फीजी या एस्टोनिया इन सारे कंट्रीज की तरह जहां पे कुछ लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे या फिर कुछ लोगों के जो वोटिंग राइट्स थे वो थोड़े कम थे वैल्यू कम थी हमें सबको एक एक वोट देना है और एक एक वैल्यू देनी है है उस वोट की ठीक नेक्स्ट जो हमारे लीडर्स होंगे गवर्नमेंट के उन्हें संविधान के बेसिक रूल्स को फॉलो करना होगा और सिटीजन के राइट को भी रिस्पेक्ट करना होगा ठीक है चलो तो एक पार्ट हमारे चैप्टर का फिनिश हो चुका है विच इज वॉट इज डेमोक्रेसी तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है अब हम सेकेंड पार्ट के ऊपर हल्का सा फोकस करेंगे कि वाई डेमोक्रेसी ठीक है डेमोक्रेसी ही क्यों तो इस टॉपिक में आपको दो चीजें बताई जाएंगी एक तो आपको बताया जाएगा कि डेमोक्रेसी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है तो इस टॉपिक को आप मान सकते हो डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी या डी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी क्वेश्चन आएगा कि बताओ व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस इन डेमोक्रेसी तो आपको ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी दिस दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी डेमोक्रेसी में क्या होता है लीडर्स अक्सर बदलते रहते हैं और इससे सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती ठीक है तो आप ऐसे समझो कि आ, मैंने क्या करा मैंने पांच लोगों का ग्रुप बनाया और उन्हें मैंने कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया ठीक है मान लो मैंने बोला कि बहुत आ, ब, बड़े से चार्ट में इंडिया का पूरा मैप डिटेल तरीके से तुम पांच लोग बनाओ ये प्रोजेक्ट मैंने दिया ठीक है उसमें आप हो और चार थोड़े से और प्यारे प्यारे बच्चे ठीक है एक दिन बाद मैंने क्या करा मैंने उन चार बच्चों को उठाया और किसी और ग्रुप में डाल दिया और किसी और चार बच्चे को उठा के तुम्हारे ग्रुप में डाल दिया ठीक है तुम्हें बुरा लगेगा कि अभी तो मैं जान गया था इन सबको या जान गई थी इन सबको हमने आधा प्रोजेक्ट बना भी लिया था अब मुझे फिर से सबको समझाना पड़ेगा फिर से मुझे चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा ठीक है पर आप मतलब ऑप्टिमिस्टिक बच्चे हो ठीक है आपने कर लिया ठीक है मैं ईवल हूँ इस एग्जाम्पल में ठीक है तो मैंने क्या करा मैंने कुछ टाइम के बाद फिर से उन चार बच्चों को हटा के कोई और नए चार बच्चे डाल दिया आपकी टीम में ऐसे में क्या होगा अब देखो आप तो अच्छे बच्चे हो आप जैसे तैसे प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लोगे पर क्या होगा आपकी जो एफिशिएंसी है जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ जाएगी ऐसा ही होता है इंडिया के साथ भी या किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ भी एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है उनके पास कुछ साल होते हैं इंडिया में डेवलपमेंट करने के जैसे ही वो एकदम मतलब जोश में आते हैं उन्हें लगता है कि हाँ सब समझ आ गया इंडिया के बारे में मस्त तरक्की करेंगे अगले साल इलेक्शन में वो हार जाते हैं कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाता है नेक्स्ट डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है ठीक है अक्सर जो ऐसे लोग होते हैं ना बहुत अच्छे लोग जो कहते हैं हमें दुनिया बदलनी है हमें सिस्टम को बदलना है ठीक है अक्सर ऐसे लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है ठीक है क्योंकि वहां पे मोरालिटी नहीं है ठीक है आपका पूरा ध्यान पॉलिटिक्स करने में लग जाएगा ठीक है डर्टी ट्रिक्स करने में आपका दिमाग ज्यादा चलता रहेगा और आप मोरालिटी क्या चीज सही है क्या चीज गलत है ये आप भूलने लगोगे ठीक है डेमोक्रेसी में कुछ भी करने से पहले बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है तो टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में ठीक है जैसे राजा रानी के सिस्टम की मैं बात करूं हमने पढ़ा है ना अपने लुई सिक्सटीन के बारे में ठीक है तो लुई सिक्सटीन के टाइम पे क्या था उन्हें जो अच्छा लगता था वो कर देते थे ठीक है उसी दिन कर देते थे उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी इंडिया में अगर हमें कोई कानून बनाना हो तो सब लोग बैठ के चर्चा डिस्कशन सब कुछ करेंगे और फिर बहुत टाइम के बाद कोई कानून बनता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिस्कशन करना होता है तो डिलेज हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल कई बार क्या होता है ऐसे लोग पावर में आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कंट्री के लिए बेस्ट क्या है ठीक है हम उन्हें वोट तो दे देते हैं हमें बढ़िया लगते हैं पर हमें पता चलता है कि इनको पता ही नहीं है कि इंडिया के लिए क्या सही है क्या गलत है डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज्यादा होता है ठीक है ये आई थिंक दिस इज अ पॉइंट वी ऑल कैन अग्री विथ ठीक है मैं ये नहीं कह रही हर जगह सिर्फ करप्शन ही चलता है पर हाँ डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं करप्शन गेट्स इंक्लूडेड ठीक है ऑर्डिनरी पीपल कई बार तो जो आम लोग होते हैं ना वही कंफ्यूज चल रहे होते हैं उन्हीं को ही नहीं पता होता कि उनके लिए या कंट्री के लिए क्या अच्छा है तो उनको ही नहीं पता होता किसको वोट दें कैसे वोट दें तो ऑर्डनरी पीपल भी थोड़े कंफ्यूज से रहते हैं ठीक है पीपल टेक देयर ओन डिसीजन विल बी गुड ठीक है डिसीजन हमारा ही होता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को जिताएंगे पर हम लोग हैं तो इंसान ही ठीक है गलतियां हमसे भी हो, होती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा डिसीजन है तो वो सही ही होगा हम भी गलतियां कर सकते हैं और हम करते भी हैं ठीक है एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को मान लो कल आपका ठीक है सिविक्स का कोई एग्जाम है ओके और आपको लग रहा है कि सब तो पढ़ लिया ठीक है क्या रिवाइज करना रिवाइज कर रखा है पहले अब मैं क्या करती हूँ मैं थोड़ा सा बाहर जाके खेल के आती हूँ ठीक है तो आपने पढ़ाई नहीं करी आज के दिन आपने क्या करा आप बाहर खेलने चले गए टीवी देख लिया नेटफ्लिक्स कर लिया और गेम्स खेल लिए इंस्टाग्राम चला लिया सब कर लिया पर आपने पढ़ाई नहीं करी डिसीजन आपका ही था ठीक है अगले दिन आप गए पेपर देने आपने पेपर खोला पहला क्वेश्चन आपको देखते ही पता चला अरे यार ये तो आता है मुझे पर मैंने रिवाइज नहीं करा इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा तो ऐसे में क्या है आपका ही डिसीजन था कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगी या पढ़ाई नहीं करूंगा पर फ्यूचर में जाके आप उसे रिग्रेट कर रहे हो कि मेरा डिसीजन गलत था तो ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है वोट करते टाइम हमें लगता है बढ़िया वोट कर रहे हैं कुछ साल में पता चल जाता है हमें कि नहीं गलती हो गई ठीक है तो ये जो अभी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े ये डिसएडवांटेजेस थे डेमोक्रेसी के अब हम थोड़ा सा एडवांटेजेस uh, के ऊपर फोकस करते हैं कि डेमोक्रेसी इतना बढ़िया क्यों है एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको ठीक है तो चाइना में एक फेमिन हुआ था फेमिन मतलब जब बहुत सारे लोगों की भूख के वजह से हंगर के वजह से डेथ हो जाए तो हम उसे फेमिन कहते हैं uh, 1958 से लेकर 1961 ठीक है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में ही सबसे बेकार फेमिन का इंसिडेंट एग्जाम्पल ये था जो चाइना में हुआ ठीक है इस इंसिडेंट में कुछ अराउंड थ्री करोड़ लोगों की डेथ हो गई ठीक है विच इज अ वेरी कंसर्निंग नंबर है ना अब उस टाइम पे ना इंडिया और चाइना एकदम बराबर बराबर थे ठीक है इंडिया का जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशन था जो भी सिचुएशन था इंडिया का एकदम सेम सिचुएशन चाइना का भी था हम लोग भी उस टाइम पे एक स्ट्रगलिंग से स्टेज पे थे और चाइना भी ठीक है पर इंडिया में कभी भी ये दिक्कत नहीं आई कि लोग भूख के वजह से मर रहे हैं और इसका पता है कारण क्या है जबकि इंडिया और चाइना की हरकतें सब कुछ उस टाइम सेम सेम था ठीक है पर फिर भी इंडिया में कभी यह दिक्कत नहीं आई कि लोग भूख के वजह से मर रहे हैं इसका कारण यह है कि इंडिया और चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अलग है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ अगर दो तीन लोग भी भूख के वजह से मर जाए ना उसी टाइम पे वो न्यूज में आ जाएगा और पूरी कंट्री हंगामा करने लगेगी कि गवर्नमेंट कर क्या रही है अगर इंडिया में लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है तो लोग गवर्नमेंट कर क्या रहे हैं है ना हम लोग हंगामा मचा देंगे चाइना में ऐसा नहीं होता ठीक है चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है वहां पे गवर्नमेंट को इतना ओपनली क्वेश्चन नहीं किया जाता तो इसीलिए वहां पे अगर फेमिन हो रहा है तो लोग ज्यादा वो मनी मन सोचते होंगे नो डाउट कि ये क्या चल रहा है कंट्री में पर वो ज्यादा अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करते आप लोग जब थोड़े बड़े क्लासेस में जाओगे टेंथ में जाओगे और जब सिविक्स में थोड़ा और आगे आगे जाओगे आपको पता चलेगा कि चाइना का अलग सिस्टम होता है वन पार्टी सिस्टम कहते हैं हम उनके सिस्टम को तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है कि लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ठीक है तो एक फायदा क्या है डेमोक्रेसी का चाहे कुछ भी हो इंडिया में ये सिचुएशन नहीं आई तीन करोड़ लोग नहीं मरे क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी तो ये एक फायदा है ये एक एडवांटेज है ठीक है चलो तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि फर्स्ट एडवांटेज क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि इट इज अकाउंटेबल अकाउंटेबल मैंने आपको समझाया ना कि हमें हम पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि क्या चल रहा है कंट्री में ठीक है गवर्नमेंट को हमें जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों गलतियां कर रही हैं या जो भी हमने क्वेश्चन पूछा ठीक है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल ठीक है एक फायदा तो ये हुआ नेक्स्ट डेमोक्रेसी में क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है देखो अभी हमने डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ठीक है तो देखो टाइम तो लग जाता है पर बहुत ज्यादा टाइम लेने के बाद हम जो डिसीजन लेते हैं ना वो डिसीजन एकदम बहुत बढ़िया होता है आप इसे कुछ इस तरीके से समझो आ, कि मैंने आपको कोई होमवर्क दिया ठीक है और आपने क्या करा एक दिन में ही वो होमवर्क जल्द जल्दबाजी में करके मुझे सबमिट कर दिया ठीक है तो होमवर्क तो हो गया आपका पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी है ना पर ऑन द अदर हैंड मान लो मैंने आपको अगले दिन एक और होमवर्क दिया और इस बार आपने क्या करा आपने उस होमवर्क को बहुत सारे लोगों से डिस्कस करा मम्मी से पापा से भाई से बहन से सबसे पूछा कि होमवर्क कैसे करना चाहिए अच्छे से सर्च करा आपने बुक्स में गूगल में हर जगह सर्च करो और फिर आपने टाइम लेकर होमवर्क बनाया तो क्या होगा नो no डाउट डिले आ जाएगा शायद आप टाइम से होमवर्क ना कर पाओ पर जब आप होमवर्क सबमिट करोगे ना मैं तो मतलब अलग ही खुश हो जाऊंगी कि हाँ इस बच्चे ने बहुत बढ़िया होमवर्क करा है ना तो डेमोक्रेसी में यही होता है टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में पर क्योंकि हमने इतना टाइम लिया इतना डिस्कशन करा है तो हमने जो डिसीजन लिया होता है वो एकदम बहुत बढ़िया होता है ठीक है नेक्स्ट डेमोक्रेसी में अगर मान लो दो लोग लड़ रहे हैं दो कम्युनिटीज लड़ रही हैं दो स्टेट्स लड़ रहे हैं तो उन कन्फ्लिक्ट को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ठीक है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती आप जैसे अगेन आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा श्रीलंका का एक इंसिडेंट आपको बताया जाता है थोड़े बड़े क्लासेस में कि श्रीलंका में क्या था वहां पे ना तमिल स्पीकिंग लोग हैं हैं और सिन्हला स्पीकिंग लोग ये एक लैंग्वेज है एक तो तमिल तो तमिल पता ही होगा है ना और सिन्हला भी एक लैंग्वेज है तो इन दोनों की ना आपस में बनती नहीं थी ठीक है और एग्जैक्टली exactly बहुत बढ़िया डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था श्रीलंका में इसलिए इन दोनों कम्युनिटीज की जब लड़ाई हुई ना सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सिविल वॉर तक पहुंच गए ये लोग ठीक है पर डेमोक्रेसी जहां पे होती है ना एकदम बढ़िया डेमोक्रेसी वहां पे उनके पास बढ़िया तरीके होते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं इंडिया में तो और भी ज्यादा डाइवर्सिटी है ये लोग तो दो लैंग्वेज लेके लड़ रहे हैं हमारे यहाँ कितनी लैंग्वेज है पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है तो हमें पता है कि को हमें मैनेज कैसे करना है ठीक है डेमोक्रेसी में सिटीजन को इज्जत दी जाती है हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं ठीक है कोई आपको आके ऐसा नहीं फील कर सकता कि आप आपके कंट्री में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही ठीक है बाकी टाइप के सिस्टम में ऐसा नहीं होता ठीक है लुई सिक्सटीन को इज्जत देते थे क्या थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं देते थे पर डेमोक्रेसी में लोगों को इज्जत दी जाती है ठीक है नेक्स्ट डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट कोई गलती करे अगर लोगों से गलती हो जाए यू विल गेट अ चांस टू करेक्ट योर मिस्टेक ऐसा नहीं कि गलती होते ही आपको मार दिया जाएगा नहीं गेट द चांस की आप गलतियां करो और गलतियों से सीखो ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये जो हमारा टॉपिक है ना इसमें बेसिकली एक सम है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा आ, इससे पहले अभी जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े उससे ज्यादा थोड़े क्वेश्चन बनते हैं ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है ठीक है पर इसमें थोड़ा समअप है कि ओवरऑल चैप्टर का मतलब क्या है ठीक है इन कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल ठीक है तो जब हम कहते हैं कि एक कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग उस कंट्री के गवर्नमेंट का पार्ट हैं या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है इसका रीजन क्या है एक तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंडिया में देखो इतने सारे लोग हैं चाह कर भी इतने सारे लोग कहीं पर मीटिंग कर कर कोई रूल नहीं बना सकते है ना तो हम सारे लोग ही चाहकर भी मिलकर एक साथ कहीं बैठ कर पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो सोचो पूरी पॉपुलेशन इंडिया की अगर चाहे भी कि चलो हम लोग मीटिंग करके इंडिया के लिए कोई नया कानून बनाते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ठीक है नेक्स्ट क्या कारण है अब देखो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इंडिया जितनी पॉपुलेशन नहीं है बहुत कम पॉपुलेशन है पर वो लोग भी ऐसा नहीं करते कि मतलब मीटिंग रख के कंट्री के लिए रूल्स बना रहे हैं क्यों क्योंकि सबके पास लाइफ में अलग अलग काम होता है कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता कुछ लोगों के पास स्किल नहीं होता कंट्री के लिए डिसीजन लेने का है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कि कल मीटिंग में जाना है, इंडिया के लिए कानून बनाना है बहुत सारे लोग क्या कहेंगे दीदी एग्जाम आ रहे हैं मुझे पढ़ने दो ठीक है कानून तो फिर भी कोई बना लेगा अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो घर पे बहुत तेज थप्पड़ पड़ेगा है ना तो काफी लोगों के पास टाइम नहीं होता कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम होता है पर उनके पास स्किल नहीं होता ठीक है अब देखो इसमें कोई कुछ गलत बात नहीं है सबके पास सारे स्किल्स नहीं होते तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता कंट्री में किस टाइप का रूल बनना चाहिए किस टाइप से कानून बनना चाहिए तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारे लोग कंट्री के मिल डेमोक्रेसी में हंड्रेड तरीके से पार्टिसिपेट करें तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया और वो हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी को संभाल रहे हैं दिस ऑल्सो मीन्स डैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी आपको ये भी समझना है कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसका हम नाम लेके बोल सकें कि इस कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का ठीक है हर एक कंट्री ओवर टाइम धीरे धीरे सीखती है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है और फिर अपने सिस्टम में बदलाव लाती है और हर एक कंट्री का सिस्टम भी अलग होता है ठीक है जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब अलग है यूएसए में डेमोक्रेसी का मतलब हल्का सा अलग है क्योंकि दोनों कंट्रीज में फर्क है बहुत ज्यादा ठीक है तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे ना कि कोई एक ऐसी चीज बताओ जो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है ठीक है तो वो है हम लोग ठीक है तो अगर हम लोग अच्छे से डेमोक्रेसी में पार्ट लेंगे अगर हम लोग अपने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखेंगे नजर रखेंगे अपने गवर्नमेंट के ऊपर तो डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी तब वी विल बी दी स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी पर अगर हम लोग ही ढीले पड़ जाए अगर हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है ठीक है हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करना सारे इंडिया के लोग अगर बिल्कुल पार्टिसिपेट करना छोड़ दें गवर्नमेंट के सिस्टम में तो क्या होगा हमारी कंट्री गिरने लगेगी तो ऐसे केस में हम वीकनेस बन जाएंगे डेमोक्रेसी के लिए ठीक है तो ओवरऑल आप बच्चों को आज के क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में काफी कुछ पता चला है और डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पता चला है ठीक है तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो क्लास के स्टार्टिंग में दो मीटिंग दिखे थे उन मीटिंग में से बेटर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सो आई होप आप आज की क्लास में आपको मजा आया सब समझ आया ऐसे और भी फन सेशंस के साथ मिलते रहेंगे हम सो दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू